गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फर्स्ट पेपर में यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे, जिसमें आपका वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ माने होता है मूल्य। मूल्य को हम मान भी कह सकते हैं। तो मूल्य का अर्थ क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या प्रकार हैं। सबसे पहले अर्थ पे बात करते हैं कि मूल्य का अर्थ नैतिक विचारों, सामान्य अवधारणाओं या दुनिया के प्रति झुकाव, कभी कभी केवल रुचियों, दृष्टिकोण, वरीयताओं, आवश्यकताओं, भावनाओं और प्रस्तावों के लिए किया जाता है। मतलब कि मूल्य वो हैं जो भी हमारे नैतिक विचार हैं, जो हम अच्छे विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जो सामान्य दुनिया के प्रति हम कैसा बिहेव करते हैं, वो हमारे मूल्य हैं। लेकिन समाजशास्त्री इस शब्द का अधिक अच्छा उपयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि सामान्यीकृत अंतः, जिसमें शुद्धता, अच्छाई, निहित वांछनीयता का अर्थ है, यानी जिसमें अच्छापन है, शुद्धता है लोगों के प्रति, और जिसको हमें कार्य करने की चाह है, वही मूल्य होता है। इसके द्वारा समाज द्वारा वैध और बाध्यकारी माना जाता है। वे परिभाषित करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण, सार्थक और लायक है। कभी कभार मूल्यों की इस तरीके से भी व्याख्या की जा सकती है कि जैसे मानकों के माध्यम से, क्या हमारे स्टैंडर्ड हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करना वही मूल्य है। इस प्रकार मूल्यों को एक संस्कृति में अच्छा, वांछनीय और उचित, या बुरा, अवांछनीय और अनुचित माना जाता है। ये सामूहिक धारणा है, यानी समूह में लोग मूल्य, जो वैल्यूज़ को क्या कहते हैं कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या संस्कृति में अच्छा है, क्या बुरा है, इसके हिसाब की चीज़ों को ही मूल्य मानते हैं। हरम बुलस के अनुसार, एम हरम हर लाम्बोस के अनुसार, इन्होंने 2000 में एक डेफिनेशन दी थी मूल्य की, कि एक मूल्य एक विश्वास है कि कुछ अच्छा और वांछनीय। उन्होंने कहा मूल्य जो है वो एक विश्वास है, और ये ही बताता है कि क्या अच्छा है और क्या वांछनीय है, क्या करने योग्य है। आर के मुखर्जी 1949 में इन्होंने बताया, एक अग्रणी भारतीय समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन की शुरुआत की, और बताया कि मूल्यों को सामाजिक रूप से अनुमोदित इच्छाओं और लक्ष्यों को रखा गया है, जो कंडीशनिंग, सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किए जाते हैं, और जो व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं, मानक और आकांक्षाएं बन जाते हैं। एक मूल्य एक साझा विचार है, जैसे कैसे वांछनीयता मूल्य अच्छाई के मामले में किया जाता है। मूल्य का सीधा अर्थ यही है कि क्या करने योग्य है, जो अच्छी चीज़ें हैं, नैतिक बातें हैं, वांछनीय हैं, वही मूल्य हैं। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया। मुख्य रूप से मूल्य में क्या चीज़ें निहित हैं, जैसे धन, निष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, मित्रता, ये सामान्यीकृत छोर होते हैं, जिन्हें जानबूझकर या स्वयं में सार्थक होने के रूप में आयोजित किया जाता है। इस तरीके से हम मूल्यों को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो मूल्य की क्या विशेषताएं हैं, जैसे किसी के माता पिता का सम्मान करना या घर का मालिक होना, या वे अधिक सामान्य हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, प्रेम और लोकतंत्र, सत्य की जीत होती है, अपने आस पड़ोस से अच्छा व्यवहार करना, सीखना अच्छा है क्योंकि खुद को समाप्त करना, सामान्य मूल्यों के कुछ उदाहरण हैं। मूल्य प्रणाली संस्कृति से संस्कृति तक भिन्न हो सकते हैं। मतलब कि जो मूल्य हैं वो एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में कुछ और मूल्य हो सकते हैं, एक संस्कृति के मूल्य कुछ और हैं, दूसरी संस्कृति के मूल्य कुछ और हो सकते हैं। एक में किसी मूल्य को अच्छा समझा जाता है तो दूसरे में उसी मूल्य को बेकार समझा जाता है। इस तरीके से मूल्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। भावनात्मकता पर संयम के गुण पर जोर दिया जाता है, जो अन्य संस्कृतियों में से किसी पे महत्वहीन हो सकता है। इस तरीके से हम मूल्यों को परिभाषित भी कर सकते हैं और उनको बांट भी सकते हैं। एक संस्कृति के मूल्य बदल सकते हैं, लेकिन अधिकांश एक व्यक्ति के जीवन काल के दौरान स्थिर रहते हैं। मतलब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के मूल्य बदल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जो मूल्य हैं वो अधिकांशतः जीवन भर एक ही जैसे रहते हैं। सामाजिक रूप से साझा, तीव्रता से महसूस किए गए मूल्य हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा होते हैं। हमारे जीवन में अधिकांश बुनियादी मूल्यों को परिवार, दोस्त, पड़ोस, स्कूल, दृश्य मीडिया और समाज के अन्य स्रोतों से जीवन से जल्दी सीखा जाता है। ये मूल्य व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरीके से इन मूल्यों को हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रकार की, ये मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल्यों को मुख्य रूप से दो व्यापक भागों में बांटा जाता है।
पहला है व्यक्तिगत मूल्य और दूसरा सामूहिक मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य क्या होते हैं? ऐसे मूल्य जो किसी एक व्यक्ति के मानव व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हैं, यानी एक कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके अंदर उसके विकास से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं वही उसके मूल्य होते हैं। जैसे ईमानदारी, निष्ठा, सत्यता, सम्मान, ये सब जो है वो एक व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, किसी के अंदर निष्ठ होते हैं। सामूहिक मूल्य क्या होते हैं? समुदाय की एकजुटता या समानता, न्याय, एकजुटता, सामाजिकता के सामूहिक मानदंडों से जुड़े मूल्य, यानी जो सामूहिकता को बल देते हैं, चाहे वो एकता की भावना हो, चाहे सम्मान की भावना हो, या किसी मानदंडों पर आधारित मूल्य हो, वो सब सामूहिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अब मूल्यों को उनके श्रेणीबद्ध व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी वर्गीकृत किया जाता है कि हम किस तरीके से पहले कौन सा मूल्य आता है, फिर दूसरा कौन सा मूल्य आता है। तो पहला जो मूल्य है इसके अनुसार वो आंतरिक मूल्य होता है। आंतरिक मूल्य यानी जो हमारे अंदर, वे मूल्य जो जीवन के लक्ष्यों से संबंधित हैं और कभी कभी परम और परमार्थिक मूल्यों के रूप में जाने जाते हैं, यानी जो हमारे परमार्थ के कार्यों में जो मूल्य उपयोग होते हैं वो आंतरिक मूल्य होते हैं। मूल्यों के पदानुक्रम में वे जीवन के अन्य मूल्यों में सर्वोच्च स्थान और श्रेष्ठता प्रदान कर, जितने भी टाइप के मूल्य होते हैं तो जो इस टाइप के आंतरिक हमारे मूल्य होते हैं वो नंबर वन पे होते हैं। फिर होते हैं बाह्य मूल्य। ये मूल्य मूल्यों के उन्नयन की योजना में आंतरिक मूल्यों के बाद आते हैं और मूल्य जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब मूल्यों का महत्व क्या है? तो मूल्य हमारे दैनिक जीवन व्यवहार विनियमित करने के लिए सामान्य सिद्धांत हैं। वे न केवल हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं बल्कि स्वयं में आदर्श और उद्देश्य भी हैं। मान इतना ही नहीं है कि क्या है लेकिन क्या होना चाहिए के साथ सौदा, दूसरे शब्दों में नैतिक अनिवार्यता को व्यक्त करते हैं। सामाजिक क्रिया के अंतिम छोर लक्ष्य उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है। हमारे मूल्य वांछनीय, सुंदर, उचित और महत्वपूर्ण होने चाहिए। इस तरीके से अवांछनीय या बदसूरत, गलत, अनुचित, बुरे क्या हैं इसके बारे में हमारे निर्णयों का आधार है। तो जो समाजशास्त्री दुर्खीम हैं उन्होंने विघटनकारी व्यक्तिगत जुनून को नियंत्रित करने में मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मूल्य व्यक्तित्वों की को यह महसूस करने में सक्षम बनाते हैं कि वे खुद से बड़े हैं। मतलब जो दुर्खीम थे उन्होंने बताया कि मूल्य ऐसी चीज़ है या मूल्य ऐसे बिंदु हैं जो एक व्यक्ति को ये बताते हैं कि वो मूल्य जो है उस व्यक्ति से भी बड़े हैं, तो उनको अपने व्यवहार में लाना चाहिए। मूल्यों के कार्य क्या हैं? पहला कार्य है मूल्य का कि मूल्य मनुष्य के बुनियादी आवेगों, इच्छाओं के एकीकरण और पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, आवेग हैं, उनको एक राह देते हैं उनके रहने के लिए स्थिर और सुसंगत तरीके से जो होती है, मतलब एक तरीके से दिशा निर्देशन का काम करते हैं। वे व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण दोनों से बने सामाजिक क्रिया में सामान्य अनुभव होते हैं। वे समाजों का निर्माण करते हैं, सामाजिक संबंधों को एकीकृत करते हैं। जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंतर होते हैं और व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। वे व्यक्तित्व के आदर्श, आयामों और संस्कृति की सीमा और गहराई को ढालते हैं। एक व्यक्ति के क्या आदर्श आयाम है, कहाँ पर व्यक्ति रहता है, मतलब किस परिपेक्ष में, उसको भी परिलक्षित करते हैं मूल्य। वे जो मूल्य हैं वो क्या करता है, वो व्यवहार को प्रभावित करता है, दूसरों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए मापदंड के रूप में भी कार्य करता है। हमें अगर दूसरे का व्यवहार का मूल्यांकन करना है तो हम मूल्य के रूप में ही करते हैं। सामाजिक जीवन के संचालन में महान भूमिका होती है। जो समाज है उसमें हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं ये भी हमारे मूल्य ही निर्धारित करते हैं। दिन प्रतिदिन के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए मानदंड बनाने में मदद करते हैं, यानी किस तरीके से हम दिन प्रतिदिन अपना व्यवहार करते हैं और हमें मूल्यों के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में भी वो दिशा निर्देश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मूल्यों के प्रकार पढ़े, मूल्यों के क्या कार्य हैं उनको पढ़ा और आगे का वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे और उस पर फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।